Good morning, students. Today we will do remaining questions of exercise 15.1. आज हम बाकी के बचे हुए questions करेंगे किसकी exercise 15.1 के. So question number 8. Question number 8 is 4x minus 9 upon 6 is equal to x minus 2x plus 7 by 2. We have to simplify it for x. We have to find the value of x. So first look at here is 4x minus 9 by 6, but here is x by 1 and minus 2x plus 7 by 2. So first we have to take LCM in both side. अगर हमें क्या करो बेटा, अलग अलग टर्म्स की होना है किसमें, फ्रैक्शन में. हमें अलग अलग टर्म्स की होना है किसमें, फ्रैक्शन में, दोनों साइड. तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है बेटा. उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अब इसमें इस साइड तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो वहाँ तो हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं है. अब यहाँ पे कितना है हमारे पास, दो टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एलसीएम लेंगे. सिक्स टू और वन का एलसीएम क्या होगा, टू. सो फोर एक्स माइनस नाइन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू, एलसीएम इज टू, टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस सेवन. नाउ लुक एट हियर बेटा, वी कैन कैंसिल टू एक्स टू टू एक्स बिकॉज बोथ टर्म्स आर सेम एंड हैविंग अपोजिट साइड. अपोजिट साइड क्या बेटा, दोनों टर्म्स सेम है लेकिन क्या है, उनके पास दोनों के पास अपोजिट साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा. यू कैन हियर वर वन टाइम. अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे अभी मैंने किया, क्या किया मैंने कि ये माइनस था, ठीक है बेटा, जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया, 2x के साथ किया. माइनस की मल्टीप्लाई 7 के साथ भी होगी, किसके साथ भी होगी, 7 के साथ भी. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा ये माइनस 2x प्लस 7. तो इस तरह की मिस्टेक मोस्टली बच्चे करते हैं, इसीलिए मैंने की थी कि आप समझ सको कि ये क्या, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है हमारी, ठीक है बेटा. सो 4x माइनस 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2x. अब माइनस से क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 7 बाई 2. नाउ बोथ टर्म आर सेम एंड हैविंग अपोजिट साइन, सो वी कैन कैंसिल 2x टू 2x. क्या क्या हमने 2x से 2x को कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों इस टर्म्स क्या थी हमारी, सेम थी और अपोजिट साइन की थी. नाउ वी हैव माइनस 7 बाई 2 एंड 4x माइनस 9 बाई 6. सो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2. ये 6 किस में है बेटा, डिवाइड में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 2 3 जा 6. सो 4x इज इक्वल टू हाउ मच, 7 3 जा 21 एंड 9 कम फ्रॉम हियर टू देयर, इट बिकम पॉजिटिव. जब 9 का ट्रांसमिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो 4x इज इक्वल टू 12, कितना आ जाएगा, माइनस 12, माइनस 21 प्लस 9, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, 29 माइनस 9 12. अब साइन किसका आएगा, जो सा हमारा बड़ी टर्म होगी, बड़ी टर्म के साथ जो साइन होगा वही साइन हमारा आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी विल गेट 4 फ्रॉम हेयर टू देयर, माइनस 12 बाई 4, वी कैन कैंसिल 4 3 जा 12, सो आवर आंसर इज माइनस 3, आवर आंसर इज माइनस 3. बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ध्यान से करने, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. जैसे अभी फर्स्ट स्टेप में ही हमने मिस्टेक की थी, तो इस टाइप की मिस्टेक मोस्टली बच्चे करते हैं, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है बेटा, ठीक है. अब जो 9th क्वेश्चन है, इस तरफ भी 2 टर्म, इस तरफ 3 टर्म्स हैं और इस तरफ 1 टर्म है, ठीक है बेटा. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा. या फिर एलसीएम को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है बेटा. सो लुक एट हियर, नाउ 2x
वी हैव 3, 2 एंड 5, हमारे पास क्या है 5, 2 एंड 3 है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 30, एलसीएम क्या आएगा 30, ओके बेटा। सो एलसीएम इज 30, 3 टेन जा 30, 3 टेन जा 30, 10 मल्टीप्लाई विथ दिस 2x+1, नाउ 2 15 जा 30, 15 मल्टीप्लाई बाई 4x+1, नाउ 5 6 जा 30, -6 × 3x+5 इजिकल टू 19 बाई 10। नाउ लुक एट हियर बेटा, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट करनी पड़ेगी। सो 10 2 जा 20x+10, 10 1 जा 10, जो भी बाहर नंबर है उसकी पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही अब 15 की मल्टीप्लाई किससे के साथ होगी, पहले 4x के साथ होगी और फिर 1 के साथ होगी, 15 की मल्टीप्लाई पहले 4x के साथ फिर 1 के साथ, 15 4 जा 60x+15 1 जा 15, नाउ -6 की मल्टीप्लाई पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ, बिकॉज ऑफ माइनस वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म इन द ब्रैकेट, जितनी भी ब्रैकेट में टर्म होंगी उन सभी के क्या करने पड़ेंगे, हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। 3 6 3 जा 18, ये किसकी थी प्लस की, तो किसकी हो जाएगी माइनस की, 18x, ठीक है बेटा। 6 5 जा 30, ये किसकी है प्लस की, तो किसकी हो जाएगी माइनस की, -30, 6 5 जा 30, ठीक है बेटा। अपॉन 30 इजिकल टू 19 बाई 10, अभी 30 कंप्लीट के क्या है डिवाइड में, क्या है कंप्लीट के डिवाइड में, तो हम क्या कर सकते हैं दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि इस तरफ ये किस में है डिवाइड में, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे एक्स की टर्म को एक तरफ और जो नंबर्स वाली टर्म है वो एक तरफ, ठीक है बेटा। 20x+60x-18x remaining is +10+15+30 = 19/10, 30 उधर गया तो किसका हो गया मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30, या 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ 20 माइनस 20 प्लस 60 80 में से 18 गए, 80 में से क्या काम करना है माइनस, 18 माइनस करना है, तो 62x 10 प्लस 15 कितना हो गया बेटा 25, किसके प्लस के, लेकिन 30 किसका है माइनस का है, 25 किसका है प्लस का है, तो दोनों के साइन क्या है अलग अलग है, तो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, 30 में से 25 गए तो 5, अब साइन किसका आएगा बड़ा साइन, बड़ा नंबर किसका है माइनस का है, सो -5 = 19 3 जा 57, नाउ वी हैव टू टेक -5 फ्रॉम हियर टू देयर, इट बिकम पॉजिटिव, 62x = 57+5, 62x = 62, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो 62, वी हैव टू टेक 62 फ्रॉम हियर टू देयर, इट become in dividing form, so we can cancel 62 1 जा 62 61 2 2 जा 62, so our answer is 1, हमारे पास आंसर कितना आया बेटा 1 आया, कितना आया हमारे पास आंसर 1, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 3/5 × x+1, अब क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी और एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इधर देखिए 3 3 जा 9x/5, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। तो क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 3 की, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी है हमारे पास क्या है, हमने क्या किया ब्रैकेट ओपन की, तो क्या हुआ 2x-+x+1/3, यहां पे एलसीएम, यहां पे क्या आ गया बेटा
इसके अकाउंट में कुछ भी नहीं था, जिसके अकाउंट में कुछ नहीं होता उसके अकाउंट में क्या ले सकते हैं हम, वन। ठीक है बेटा, अभी टू एक्स बाई थ्री ये किसका है, एक्स की टर्म है, तो इसको भी हम ना ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं। तो ये उधर किसका था, प्लस का, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस टू एक्स बाई थ्री, टू एक्स बाई थ्री नाउ इज इक्वल टू, वहां पे क्या बचा, फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, फाइव फोर थ्री एंड थ्री, कितना हो जाएगा, फिफ्टीन, एलसीएम इज 15, 5 3 जा 15, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ पूरे के साथ 9x प्लस 3 के साथ 1, 15 जा 15, सो माइनस 15 इंटू 2x प्लस 3, 5 जा 15, 5 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ 5 इंटू एक्स प्लस 1, 35 जा 15, 5 की मल्टीप्लाई 2x के साथ, 5 2 जा 10, 10x माइनस 10x माइनस 10x, व्हाट इज इट नाउ इज इक्वल टू 4 बाय 5। नाउ वी हैव टू टेक 15 फ्रॉम हियर टू देयर, अब हमें क्या करना है, 15 को इधर से उधर लेके जाएंगे और क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे बेटा, ठीक है। तो 3 9 जा 27 एक्स प्लस 3 3 जा 9, 15 2 जा 30 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 1 जा 5 प्लस 5 माइनस 10x इज इक्वल टू 4 बाई 5 इंटू 15, 4 बाई 5 इंटू 15, 15 इधर से उधर गया तो किसका हो गया, मल्टीप्लाई का, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, नाउ सॉल्व एंड कलेक्ट द टर्म ऑफ x, क्या करना है हमें, कलेक्ट करनी है किसकी, x की टर्म, 27x प्लस 5x माइनस 30x माइनस 10x, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, किसके प्लस के, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है बेटा। नाउ 27 प्लस 5 32x किसके प्लस के, ये क्या था, सेम साइन था तो क्या किया हमने, ऐड कर दिया। अब 30 प्लस 10 ये भी कैसे है, सेम साइन के हैं, कैसे हैं, दोनों ही माइनस के, तो क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, सो माइनस 32x माइनस 30 प्लस 10 40x, ठीक है बेटा, पर ये 14 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 14। नाउ 32x माइनस 40x रिमाइंडर इज माइनस 8x, 40 में से 32 गए तो 8, लेकिन साइन किसका आएगा, जिसकी बड़ी टर्म होगी, बड़ी टर्म किसकी थी, नेगेटिव की, सो माइनस 8x, ऐसे ही वहां पे बड़ी टर्म किसकी है, माइनस की, सो आंसर इज माइनस में आएगा जो हमारा आंसर होगा, 14 माइनस 2 2 और आंसर किसका आया, माइनस का। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो माइनस 2 बाय, हम इसको कहां लेके गए, दूसरी तरफ, माइनस 8, ठीक है बेटा, ये माइनस 8 किस में था, मल्टीप्लाई में, उधर गया तो किसका हो गया, डिवाइड का। नाउ वी कैन कैंसिल माइनस 2, माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो आवर आंसर इज 1 बाय 4, आवर आंसर इज 1 बाय 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, x by 6 minus x by 5 plus x by 3 is equal to x by 15 plus 7। तो फर्स्ट तो क्या होता है हमें, x वाली टर्म्स को एक तरफ करना होता है, बाकी टर्म्स को एक तरफ, सो ये x वाली टर्म जो है इसको हम कहां लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इट विल चेंज इट्स साइन, सो x by 6 minus x by 5 plus x by 3 ये इधर आएगी तो किसका हो जाएगी, माइनस की, x by 15 प्लस इज इक्वल टू 7, वहां पे क्या बचा, 7, ठीक है बेटा। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम, अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना बेटा, तो एलसीएम लेंगे 6 5 3 और 15 का, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा बेटा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, 6 5 जा 30, 5x 5 * x 5x
फाइव सिक्स जा 30, सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स, थ्री टेन जा 30, टेन इंटू एक्स टेन एक्स, फिफ्टीन टू जा 30, माइनस टू एक्स इजिकल टू सेवन, इजिकल टू सेवन। नाउ लुक एट हियर बेटा, फाइव एक्स एंड टेन एक्स दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 15x। 6 और 2 किसके हैं, दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 6 प्लस 2 8x, किसके हैं, माइनस के। 30 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे किस में, डिवाइड में, इंटू 30। ठीक है बेटा, 15 माइनस 8 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 30। We have to find the value of x, so we will take 7 from here to there. So 7 into 30 upon 7. ये किसमें था? Multiply में उधर गया तो किसका हो गया? Divide का. So we can cancel 7 to 7. So value of x is 30. Value of x is 30. Now question number 14. जो question number 12 है बेटा, वो बिल्कुल 11 के जैसा है, वो आपको खुद ट्राई करना है, और 13 भी आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है बेटा, 14 और 15 मैं करवा रहा हूँ, आज 15 तक ही करेंगे। ठीक है बेटा, नाउ 14 क्वेश्चन, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6। अब 3 2 6, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ, एक्स प्लस 1.3। ठीक है बेटा, अब ये बाहर है 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसके 1 की तो मल्टीप्लाई सारे के साथ है, और 2 किस में है, डिवाइड में, पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ, इसलिए 2 तो इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ है। तो 2 3 6, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट इज एक्स माइनस 1.7 इजिकल टू 1/4। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 into x 2x प्लस 13 2 26, और डेसिमल था कितने डिजिट से पहले, 1 डिजिट के पहले, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 1 डिजिट से पहले आ जाएगा, 1 डिजिट से पहले हमारे क्या आ गया, डेसिमल आ गया, माइनस 3 into x 3x माइनस माइनस प्लस 17 3 51। ठीक है बेटा, फिर से जो डेसिमल है कितने डिजिट पहले है, 1 डिजिट पहले, तो हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया, इजिकल टू 1/4 into 6। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3x एंड 2x, टू 3x को 3x में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, 3x माइनस 2x x। अब किसका साइन आएगा, जिसका साइन, जिसकी टर्म बड़ी होगी, तो किसकी टर्म बड़ी है, माइनस की टर्म बड़ी है, तो माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 2 7। पहले क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले हम ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7, डेसिमल 5 प्लस 2 7। ठीक है बेटा, इजिकल टू, वी कैन कैंसिल 2 2 3 6, 3/2, इसको 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5, क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है बेटा, अब जो x है, x को दूसरी तरफ लेके जाएं, या फिर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर माइनस से माइनस क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, माइनस एक्स इजिकल टू 1.5, इसको दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 7.7, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचा बेटा, दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, तो क्या होंगे, माइनस होंगे, 7 माइनस 2 7 माइनस 5 2 7 माइनस 1 6, 6.2 किसके, माइनस के, माइनस एक्स। नाउ वी कैन कैंसिल एक्स टू, वो माइनस टू माइनस, बिकॉज बोथ है, बोथ साइड है वन टर्म, बोथ साइड है वन टर्म, दोनों साइड क्या है, वन टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 15, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 5/3x + 1 + 3/3x - 1 = 8/3x।
अब कहोगे सर यहाँ तो सारे के सारे ही किसके हैं, एक्स के हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो एक्स वाली टर्म्स में है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, जब हमारे प्राइम नंबर होते हैं तो जो एलसीएम होता है उस क्या कैसे लेते हैं हम, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 2 6। ठीक है बेटा, तो हम इनको अभी क्या मान के चलेंगे कि ये प्राइम नंबर है और इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3x+1 इंटू 3x-1। इन दोनों की क्या कर दी हमने मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है बेटा, अब 3x+1 तो है, क्या करना है अब हमें एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करना है डिवाइड करना है, तो 3x+1 3x+1 ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास 3x-1। अब 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3x-1 से। ठीक है बेटा, अब 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो 3x-1 3x-1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x+1। ठीक है बेटा, 3x+1 की मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, प्लस 3 × 3x+1 इजिकल टू 8/3x। अभी हमने लास्ट चैप्टर में 12 चैप्टर में आइडेंटिटी पढ़ी थी, 12 चैप्टर में आइडेंटिटी पढ़ी थी a+b × a-b। ठीक है बेटा, 3x+1 3x-1 किसके इक्वल होगा, a² - b² a² क्या होगा 3x². ठीक है बेटा, सो 5 × 3x 15x-5 15x-5। ठीक है बेटा, नाउ प्लस 3 × 3 9x-3 इजिकल टू अपॉन में क्या बेटा 3x+1 × 3x-1। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी a+b × a-b a² - b² ठीक है बेटा, सो 3x² - 1² इजिकल टू 8/3x। नाउ सो 15x+9x ये किसका था बेटा 3 × 1 = 3 प्लस ये किसका था प्लस का था। ठीक है, तो 15x+9x 27x 15x+9x 24x 24x -5+3 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 -2। ठीक है बेटा, -2 रिमाइंडर इज 3 3² = 9 x² = x² -1 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा इजिकल टू 8/3x 8/3x। अब क्या करना है हमें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 3x × 24x-2 इजिकल टू 8 × 9x² - 1। ठीक है बेटा, सो 3x × 24 72x × x² - 3 × 6x इजिकल टू 8 × 9 = 72x² - 8 × 1 = 8। अभी कहोगे सर ये तो क्या आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन हम तो सोल्व कर रहे थे लीनियर इक्वेशन। तो मैंने एग्जांपल में जब आपको एग्जांपल दिया किसका, लीनियर इक्वेशन का, तो वहाँ पे सिंपलीफाई के बाद हमारे पास क्या आनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 72x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 72x² - 72x² ये किसका हो गया माइनस का, और यहाँ पे क्या था 6x इजिकल टू -8। तो 72x से 72x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो अब ये क्या बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, तो -6x इजिकल टू -8
x is equal to minus 8 by minus 6. We can cancel minus 2 minus. So 2 4 ja 8, 2 3 ja 6. Our answer is 4 by 3. Okay, beta, thank you.